स्टडी विथ नैन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस का। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस रेपिडली एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आइए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडे का निषेचन किस में होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग ऑक्यूर्स इन द, इसका आंसर होगा अंडे का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण किसके कारण होता है, यानी माल न्यूट्रिशन ऑक्यूर्स ड्यू टू। तो कुपोषण जो होता है बीमारी, ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, लैक ऑफ प्रोटीन माल न्यूट्रिशन ऑक्यूर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने से आता है? ओल्ड एज इन ह्यूमन्स कम्स ड्यू टू डिसअपीयरेंस ऑफ विच ग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा थायमस ग्लैंड्स के कमी के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का जो त्वचा है, मानव त्वचा का रंग किसके द्वारा बनता है? ह्यूमन स्किन कलर्स इज फॉर्म्ड बाय, तो इसका आंसर होगा मेलानिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? हु कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, इसका आंसर होगा अधिविक्र ग्रंथि, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड जो होता है यही रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्तचाप को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्तदाब मापी, इसका जो है जिसमें हम लोग देखते हैं नॉर्मली 120 mm बाई 80 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से जुड़े ऊतक को मांसपेशियां क्या कहते हैं? व्हाट इज द टिश्यू अटैच टू द बोन कॉल्ड मसल, इसका आंसर होगा टेंडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सेल्स इन द ब्लड ऑफ मैमल्स, इसका आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। मनुष्य में कशेरुकियों की कुल संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा 33। द टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रेट्स इन ह्यूमंस इज 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे शक्तिशाली हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जबड़ा। जबड़ा जो है शरीर की सबसे शक्तिशाली हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक जो विकृति किस रोग का दूसरा नाम है, यानी कि किस बीमारी को लॉक जो विकृति भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनस। टाइटेनस जो होता है उसी को लॉक जो विकृति भी कहा जाता है। हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है? इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं, यानी मस्तिष्क कोशिका जो होती है वो पुनर्योजी नहीं होते हैं, यानी इसका मतलब है कि अगर मस्तिष्क में किसी भी तरह का चोट लगता है तो वो अपने से नहीं बन सकता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें अपने मस्तिष्क की सुरक्षा बहुत जरूरी होता है करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल की जो मांसपेशियां है उसकी अनुमानित संख्या कितने होती है? तो इसकी अनुमानित संख्या होती है 700। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े और गधे से पैदा हुए जानवर के संकर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द हाइब्रिड ऑफ एनिमल बोन फ्रॉम हॉर्स एंड डंकी कॉल्ड, जिसका आंसर होता है खच्चर। घोड़े और गधे से जो पैदा होते हैं जिस संकर के द्वारा उसे खच्चर कहते हैं। सेक्स हार्मोन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन, इसका आंसर हो जाएगा यूजिन स्टेनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉली दुनिया का पहला उपनिवेश पशु था। डॉली वॉज द फर्स्ट कॉलोनाइज्ड एनिमल इन द वर्ल्ड, वो डॉली था भेड़। डीएनए परीक्षण द्वारा विकसित किया गया था, उसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक के द्वारा ये परीक्षण विकसित किया गया था, वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में व्यावसायिक उपयोग के लिए रेशे का उत्पादन करता है? एट व्हाट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वर्म प्रोड्यूस फाइबर फॉर द कमर्शियल यूज, इसका आंसर हो जाएगा प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके अंगूर में होता है, राइप ग्रेप्स कंटेंट, उसमें फ्रैक्टोज होता है, पके अंगूर में फ्रैक्टोज होता है जिससे वाइन बनाया जाता है। फूल का कौन सा भाग पराग उत्पन्न करता है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पोलन, इसका आंसर हो जाएगा पराग कोष, एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल ब्रेड बनाने में प्रयुक्त, यूज इन मेकिंग डबल ब्रेड, उसको बोलते हैं यीस्ट। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें निकोटीन होता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है, द रीजन फॉर द स्वीट टेस्ट इज फ्रूट, इसका आंसर हो जाएगा फ्रैक्टोज। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए, व्हाट शुड वी टेक टू फॉर इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स, इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज।
दिल का दौरा किस कारण से होता है, व्हाट काउज ऑफ हार्ट अटैक, इसका आंसर हो जाएगा हृदय के रक्त में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, फूड एंड माउथ डिजीज ऑक्यूरिंग इन एनिमल्स इज काउज्ड बाय, इसका आंसर हो जाएगा वायरस, वायरस के कारण ही ये रोग होता है। दो वंशानुगत रोग, टू हेरिडिटरी डिजीज, अंधापन और हीमोफीलिया, ये दो बीमारी जो है वो वंशानुगत होता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का भार होता है, द वेट ऑफ किडनी इज 150 ग्राम, 150 ग्राम गुर्दे का जो भार होता है वो 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, विच डज नॉट कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, यानी जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित नहीं करता है, उसका आंसर हो जाएगा मूंगफली का तेल। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग इनसाइड द बॉडी, इसका आंसर हो जाएगा एक प्रोटीन जिसे हेपरिन कहा जाता है, हेपरिन जो होता है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मानव शरीर का वो अंग जिसमें सबसे अधिक हड्डियां होती हैं, द ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन्स, इसका आंसर हो जाएगा उंगलियां, द फिंगर्स। श्वेत रक्त में श्वेत कणों का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द व्हाइट पार्टिकल्स इन ब्लड, इसका आंसर है संक्रमण का उपचार करना, टू ट्रीट इन्फेक्शन। पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि है, इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का जो मेन ब्रेन है, यानी कि जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का ही एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग, थायरोक्सिन डेफिशिएंसी डिजीज इज, इसका हो जाएगा आंसर घेंघा, घेंघा जो है वो थायरोक्सिन की कमी से होता है, गोइटर। पेट में भोजन कितने समय तक रहता है, हाउ लॉन्ग डज फूड लास्ट इन द स्टमक, इसका आंसर हो जाएगा 3 घंटे तक, अप टू 3 आवर्स, 3 घंटे तक पेट में भोजन रहता है, जो भी पाचन क्रिया है उसमें 3 आवर्स लग जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसका आंसर हो जाएगा 120 डेज, 120 दिन। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, पायरिया डिजीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी, इसका आंसर हो जाएगा मसूड़ा, द गम्स। मनुष्य में श्वसन दर है, रेस्पिरेटरी रेट इन ह्यूमंस इज, इसका आंसर हो जाएगा 12 से 18 बार प्रति मिनट। जन्म के समय शिशुओं का श्वसन दर क्या होता है, इन्फेंट्स हैज रेस्पिरेटरी रेट एट बर्थ, इसका आंसर हो जाएगा 35 बार प्रति मिनट, यानी 35 टाइम्स इन ए मिनट। पेशाब के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है, ग्लूकोज रिलीज विच विथ यूरिन इज अ साइन ऑफ विच डिजीज, इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह, यानी कि शुगर, शुगर डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज का बीमारी का ये संकेत है। महिला वृद्धि हार्मोन है, फीमेल ग्रोथ हार्मोन इज, इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन में BMR को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द BMR इन द ब्रेस्ट इज, इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो होता है वो स्तन में BMR को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस का टीका है, देयर इज अ वैक्सीन फॉर टिटनेस, DPT जो है, जो वैक्सीन है वो टिटनेस के लिए दिया जाता है। क्लोरोक्विन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग उपचार में किया जाता है, तो मलेरिया के उपचार में क्लोरोक्विन दिया जाता है। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग, द फैटल डिजीज कॉज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल इज, इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SARS इज ए, यानी SARS है एक वायरल बीमारी, वायरल डिजीज है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाई चार्ल्स ड्राविन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, विच इज द मेन प्रोटीन फाउंड इन द मिल्क, तो हो जाएगा कैसिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड बाय द हूज सेल, इसका आंसर हो जाएगा पेट। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाट इज यूज्ड ऑफ द कनेक्ट ब्रोकन बोन,
इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज इज फाइंड इन दूध, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में रंगा जाता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज डाइड एज सेफ्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा स्टिग्माटा और स्टिग्मा। मायोपिया किससे संबंधित है, विथ हुम इज मायोपिया रिलेटेड टू, आंख, आंख के साथ मायोपिया संबंधित है। स्तनधारियों के कौन सा घटक उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, विच कॉम्पोनेंट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एक्सक्रेशन ऑफ इन मामल्स, इसका आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी जो है वो उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका हो जाएगा बैंकिंग सोडा, बैंकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो जानवर ध्वनि को अपनी आंखों के रूप में उपयोग करते हैं वो है, एनिमल दैट यूज साउंड एज देयर आईज दे आर चमगादड़, चमगादड़ जो है वो ध्वनि को आंखों के रूप में उपयोग करते हैं। रक्ताधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कौन सा रोग होता है, ये है एच आई वी और हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण बनने वाला विषाणु किस वर्ष था, इन विच ईयर वॉज द वायरस काउजिंग एड्स, 1983। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस नष्ट करता है, एड्स वायरस डिस्ट्रॉयड्स लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट को एड्स वायरस नष्ट कर देता है। साइडोरोसिस एक ऐसा रोग है जो सांस लेने के साथ होता है। साइडोरोसिस ये जो है लोहे की धूल से साइडोरोसिस बीमारी होता है जो सांस लेने से होता है। उसके बाद है, निमोनिया रोग का कारण कौन सा जीवाणु है, यानी किस जीवाणु से निमोनिया रोग फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, इसका आंसर हो जाएगा। अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल, इसका आंसर हो जाएगा खरगोश, खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। मनुष्य के किस उत्तक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता, इन विच टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बींग देयर इज नो सेल्स डिविजन आफ्टर बर्थ, इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ अंग उत्तक के किस भाग की मृत्यु है, यानी कि मस्तिष्क, बायोलॉजिकल डेथ ऑफ द पेशेंट मीन्स द डेथ ऑफ विच पार्ट ऑफ द ऑर्गन टिश्यू, इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन। च्युइंगम किसके द्वारा बनाई गई जाती है, च्युइंगम गम इज मेड बाय, इसका आंसर हो जाएगा लेटेक्स, लेटेक्स के द्वारा च्युइंगम गम बनाया जाता है। यह नारा दो बूंद जिंदगी की पल्स किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा पल्स पोलियो। प्राणियों का वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा है, प्राणियों का वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है, लैंग्वेज यूज टू राइट साइंटिफिक नेम्स ऑफ बींग्स इज लैटिन, लैटिन भाषा से ही प्राणियों का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है, द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज, इसका आंसर हो जाएगा सैमुअल हेहमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे प्रोटोजावा को कहा जाता है, ग्रीन प्रोटोजावा इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा युगलीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन प्रोटोजावा इज कॉल्ड युगलीना। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से सभी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखने के लिए।